हेलो एंड वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जीमेल का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप अपने जीमेल का पासवर्ड भूल गए हैं तो भी आप नया पासवर्ड कैसे बना लेंगे। अगर आप अपने जीमेल पर कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं या अपने जीमेल में कोई सेंसिटिव डाटा रखते हैं तो आपको समय समय पर अपने जीमेल का पासवर्ड ज़रूर बदल लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ही पासवर्ड को लंबे समय तक रखने पर हैक होने का खतरा बना रहता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जीमेल का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। जीमेल के पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से यहाँ दाहिने तरफ ऊपर कोने में देख सकते हैं यहाँ एक गोली बना हुआ है, तो आपको इस गोली पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके जीमेल में जितने अकाउंट लॉगिन है वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अब आप यहाँ नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन है मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपने अपने मोबाइल में जितने जीमेल से लॉगिन है वो सभी जीमेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप जिस जीमेल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस जीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस जीमेल का पासवर्ड बदलना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ देख रहे हैं गूगल अकाउंट इन्फो सिक्योरिटी एंड पर्सनलाइजेशन, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इन्फो, तो अब आपको यहाँ पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना है। अब यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, तो आपको यहाँ पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपको इस जीमेल का पासवर्ड मालूम है तो आप यहाँ पे उस पासवर्ड को डालेंगे और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं इस जीमेल का पासवर्ड भूल गया हूं, तो अब पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि बाईं तरफ देख सकते हैं यहां एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड का, तो यहां फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आपसे ये कहा जाएगा कि आपको अपने फ़ोन को अनलॉक कर देना है। तो जब आप अनलॉक करेंगे तो आपको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है कि आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपको अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं या जो भी लॉक हो यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ अनलॉक कर दे रहा हूँ। अब अनलॉक करने के बाद से आपको यहाँ पर नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर वाले में वही पासवर्ड डालना है और ये जो नीचे वाला है यहाँ पर भी सेम पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे अब पासवर्ड टाइप कर दे रहा हूँ। अब ऊपर वाले बॉक्स में आपने जो पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड आपको ये जो नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पर भी डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें भी पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। अब दोनों में सेम पासवर्ड डालने के बाद से आपको यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से नीचे देख रहे हैं चेंज पासवर्ड है, तो आपको यहाँ फिर से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो ऊपर देख सकते हैं कि मैसेज आ गया कि पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।